Hello everyone, Rai Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So Aaj words or ja vocabulary is extracted editorial discussion of Indian Express newspaper. From today only, it's 23rd of July 2021. So let's begin with the first word.

बेसिकली कोई भी ऐसा वर्ड कोई भी ऐसा फ्रेज़ जो कि इमेजिनेटिव वे में यूज़ किया जाता है या तो किसी पर्सन या किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए सेम क्वालिटीज़ की जब दो चीज़ होती है तो उन्हें बेसिकली कंपेयर किया जा, जाता है विद ईच अदर राइट तो वहाँ पे मेटाफोर वर्ड का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है हर वर्ड्स वर अ नाइफ़ इन हैज़ हार्ट कि उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके हार्ट में एक नाइफ की तरह चुप रहे हैं ठीक तो है तो यहाँ पे वर्ड का कंपैरिजन किससे किया गया है नाइफ ठीक है बहुत ही शार्पेस्ट वर्ड्स जो कि किसी के हार्ट को पिंच करें तो वहाँ पे नाइफ वर्ड का यूज़ किया गया है सो so, यहाँ पे ये यह मेटाफर है जहाँ पे नाइफ़ और वर्ड्स का दोनों को कंपेयर किया गया है सो दिस इज़ द टर्म दैट इज़ मेटाफर नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज़ फेबल्ड फेबल्ड इज़ एन एग्जैक्ट फेबल का मतलब होता है फेमस बाय रेप्यूटेशन कोई भी चीज़ जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है और बिकॉज ऑफ रेपुटेशन वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ कुछ भी हो सकता है तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे सेलिब्रेटेड रेनाउंड या फिर लीजेंडरी लीजेंडरी किसी भी लीजेंड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ये सो एंटनम्स ऑफ द वर्ड आर अनोन या फिर हिस्टोरिकल हम इसके लिए एंटनम्स यूज करेंगे सो फेबल्ड आर्ट कलेक्शन की जो आर्ट कलेक्शन है बहुत ही फेमस है रेनाउंड है नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉड फ्रॉड इज़ ऑल्सो एन एड्जैक्टिव और इसका मतलब होता है अफेक्टेड बाय एंजाइटी कोई भी ऐसे चीज़ है कोई भी ऐसे पर्सन जो कि एंजाइटी क्रिएट करता है टेंशन क्रिएट करे वरी क्रिएट करे तो वहाँ पे फ्रॉड वर्ड का यूज़ होता है so, सो इसके से हो जाएंगे वरी या फिर एंशियस एंड दियानम्स आर वेरी काम एंड हैप्पी सो देर वॉज अ फ्रॉड नॉइज़ कि वहाँ पे बहुत तेज नॉइज़ हो रही है वो फ्रॉड क्रिएट कर रही है एग्जाइटी क्रिएट कर रही है सो दिस इज़ द वर्ड फ्रॉड नेक्स्ट वर्ड इज पैरी पैरी इज़ अ वर्ड पैरी का मतलब होता है अवॉइड टू रिस्पॉन्ड जब हम रिस्पॉन्ड करने को अवॉइड करते हैं ठीक है हम किसी चीज़ को अवॉइड कर देते हैं निगलैक्ट कर देते हैं उसको साइड कर देते हैं ठीक है या फिर इवेजिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो भी इवेजिवली करते हैं ठीक है अटेंटिवली ना करना रिस्पोंड सो so, उसके सनोनम्स क्या हो जाएंगे अवॉइड या फिर वॉड ऑफ एंड देंटनम्स आर टू फेस एंड टू डील विद द सिचुएशन और विद द पर्सन सो ही पैरीड द थर्स्ट ऑफ हिज ओपोनेंट्स व कि उसके ओपनेंट का जो स्वार था उसका जो वार था उसको उसने अवॉइड किया दिस इज़ द वर्ड पैरिंग नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिवेरिकेट प्रेट एज अ वर्ब इसका मतलब होता है स्पीक और एक्ट इन अन अवेजिव वे मतलब बोलना या इस तरीके के एक्शन करना जो कि बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल होता है किसी कंडीशन किसी पर्सन किसी सिचुएशन या किसी बात को अवॉइड करने के लिए हम जो एक्ट करते हैं या कुछ बोलते हैं बेसिकली उसी को ही प्रिवेरिकेट बोला जाता है तो फैंस या फिर बीट अबाउट द बोश मतलब इधर उधर की बात करके चीज़ों को टालना एज वॉट वी कॉल प्रिवेरिकेट सो इसके एंटनम्स हो जाएंगे टू कन्फ्रंट या फिर फेस और डील बीस इसको बोल सकते हैं सो टेल एस एग्जैक्टली वॉट हैपन एंड डोंट डिवेरिकेट कि जो हुआ एग्जैक्टली exactly वो बताओ इधर उधर की बातें मत करो सो so, वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है दैट इज प्रिवेरिकेट Next we have a term that is aggrandizement. Aggrandizement का मतलब होता है the act of making something larger or greater. कोई भी ऐसा act हम करते हैं जिससे कि किसी person या किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा larger करें या फिर उसे great करें greater करें तो किसी भी चीज़ को enhance करना उसे large करना उसे greater करना is what we call aggrandizement. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज़ प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी इज़ अ नाउन इसका मतलब होता है एन एन इंक्लाइनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे जब ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारा ऐसा बिहेवियर होता है हमारी ऐसी टेंडेंसी होती है कि एक ही पर्टिकुलर वे में हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोपेंसिटी वर्ड का यूज़ होता है बेसिकली इसको प्रवृत्ति भी बोल सकते हो आप हिंदी में तो इसके सनानमस हो जाएंगे एपनेस या फिर इंक्लाइनेश इंक्लाइनेशन या नेचर भी आप बोल सकते हो उसको एंड दी एंटनम्स आर डिसनेशन या इन एबिलिटी सो ड्यूरिंग हॉट डेज ही हैड अ प्रोपेंसिटी फॉर वॉकिंग अराउंड कि हॉट डेज़ की ड्यूरेशन में ये इसकी फितरत है उसकी प्रवृत्ति है कि वो घूमता है ऑल अराउंड नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज लाटेस्ट डेफिनिंग डिन का मतलब होता है टू मेक अ लाउड नॉइज बहुत तेज आवाज़ करना इज़ व्हाट वी कॉल कॉलिंग नेक्स्ट वर्ड इज इम्परसेप्टेबल इम्परसेप्टबल इज एन एडजेक्टिव इसका मतलब होता है टू स्मॉल टू बी नोटस्ड कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होती है जो कि नोटिस ही नहीं करी जा सकती ठीक है ना के बराबर कोई चीज़ होना सो अन नोटिसिबल या अनविजिबल हम इसके लिए सिनोनम्स यूज करेंगे एंटनम्स आर ऑबीवियस या फिर नोटिसिबल सो सच चेंजेस आर इम्परसेप्टेबल टू इवन द बेस्ट ट्रेंड आई क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा माइनर होती है कि इन्हें नोटिस ही नहीं किया जा सकता कितना ही ट्रेन पर्सन क्यों ना हो वो भी उसको नोटिस नहीं कर सकते सो दिस इज़ द वर्ड दैट इज़ इम्परसेप्टेबल नेक्स्ट वर्ड इज इंसीडियस इनसीडियस इज एन एग्जैक्ट और इसका मतलब होता है प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे बट विद वेरी हार्मुल इफेक्ट्स ग्रेजुअली आगे बढ़ना बट हार्मफुल इफैक्ट्स के साथ ठीक है बहुत ही श्रूट तरीके से आगे बढ़ना तो कनिंग या ट्रीके हम इसके लिए सनॉनम्स यूज करेंगे एंड देंटनम इज स्ट्रेट फॉर्वर्ड सो ही मेड इंसीडियस थ्रेड्स टू गर्ल्स स्टेबिलिटी कि गर्ल्स स्टेबिलिटी के लिए उसने इंसीडियस थ्रेड्स का यूज़ किया ठीक है ट्रिकी के नेक्स्ट वर्ड सोलिसिट सोलिसिट इज़ अ वर्ड सॉलिसिट का मतलब होता है आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम समवन किसी से कोई चीज़ मांगना इज व्हाट वी कॉल सॉलिसिट तो रिक्वेस्ट या बैग हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज करेंगे एंटोनिम्स आर टू गिव एंड रिजेक्ट सो मे आई सोलिसिट और एडवाइस ऑन ए मैटर ऑफ सम इम्पोर्टेंस की क्या मैं तुम्हारी एडवाइस ले सकता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सो दीज आर दर्ज फॉर टुडे थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गी क्लासेस वन मोर थिंग अगर आपको सेशन की पी डी एफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है थैंक यू सो मच